गुस्सा आ गया तो मैं
सारी दुनिया के लिए ना, इसीलिए गरम बोलो मैं। आप लोग ऐसा नहीं करते हो ना, फिर क्या हुआ समझाओ भाई। आगे प्रभु ने मुझे माफ कर दिया।
पूरी करता है सबकी चाह तो हाथ बढ़ाता है पूरी करता है सबकी चाह तो मानते जो सबकी उनकी सूद करेगा मगर आय मानते जो सबकी करेगा मदद यीशु महान है सुनि के योग्य है करुणामय और दयालु है यीशु महान है सुनि के योग्य है करुणामय और दयालु है सारी राहों में वो धर्मी है सबका मुंह में करुणा सारी राहों में वो धर्मी है सबका मुंह में करुणा राज्य करे प्रभु युगानियों प्राणी सब सुख धन्य करे राज्य करे प्रभु युगानियों प्राणी सब सुख धन्य करे यीशु महान है सुन के योग्य है करुणा माय और दयालु है यीशु महान है सुन के योग्य है करुणा माय है और दयालु है गया तेरे को है
अच्छा चीज है गुस्सा करना, गुस्से से नुकसान होता है, क्या होता है नुकसान, नुकसान ठीक है। अभी हमें ये सीखना है, इसलिए तुमको अभी अच्छा लग रहा है, प्रभु से माफी मांग लिया इसलिए अच्छा लग रहा। जब हम पाप करते तब हमें अच्छा लगता, उस समय में मजा आता है ना, पाप करते तो उस समय में मजा आता है, आता है कि नहीं मजा, धक्का मारने में मजा आ रहा था ना, फिर वो पानी में गिर रही थी कैसा लग रहा था, फिर डर रहा है, चोरी कर लेता हूँ चलो ना उसका पेंसिल ले लेता हूँ, फिर किसी को पता चल गया तो होता है कि नहीं। ये सब क्या है, पाप है, क्या है, परमेश्वर हमें पाप से छुड़ाना चाहते हैं, किसे छुड़ाना चाहते हैं, पाप से। अभी जॉनी को अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है कि क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि जॉनी ने यीशु प्रभु पास माफी मांगी, क्या किया, आप लोग माफी मांगोगे पक्का, क्यों माफी मांगोगे, जॉनी ने तो धक्का मार दिया, तुमने धक्का मारा था, तो आप क्यों पापों की माफी मांगोगे, आपने कुछ ना कुछ पाप किया है, बोलो सोचने में, बोलने में, बोलने में, बोलने में, बोलने में, सुनने में, सुनने में, हाथ से करने में, हाथ से करने में, फिर पैर से जाने में, पैर से जाने में, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, वो क्या है, समझ में आ गया, तो आप किसी के बारे में सोचते हो ये गंदा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इस लड़की को मैं ऐसा बोल दूंगा, इसको ऐसे मार दूंगा, ये मेरा बात नहीं मानी, सोचा नहीं, इससे पहले क्या किया, सोचा किसके काले दिमाग, काले दिमाग पहले सर क्या, अच्छा कितना बोलूं बात, आना भी चाहिए अपने काम के, ठीक है, तो तुम्हारे सिर में पहले क्या आया, जॉनी बोलो पहले क्या आया, सोच आया है ना, बाद में क्या किया तुमने, तो सोचने में भी पाप किया, करने में भी पाप किया, करते हो कि नहीं, ठीक है। अभी इससे कौन छुड़ाएगा आपको, ऐसा बार बार होगा तो दूसरों का नुकसान होगा कि नहीं, अगर आप घर के अंदर कुछ चीज को चोरी कर लोगे, पैसा चोरी कर लोगे, तो किसका नुकसान होगा, पापा मम्मी का, ठीक है, बाहर किसी का कुछ चोरी कर लो तो दूसरे वाला का नुकसान हो जाएगा, फिर आप अपने जीवन में गलत चीज सोचोगे तो आपके जीवन में क्या हो जाएगा, टेंशन आएगा, डर आएगा, तो नुकसान किसका होगा, मगर हम सभी लोग पापी है, क्या है, कैसा है सब लोग, तो पापी इंसान को कहां जाना चाहिए, किसी जगह जाना चाहिए, स्वर्ग जाना चाहिए, स्वर्ग नहीं मिलता, तो किसको स्वर्ग मिलता है, धर्मी व्यक्ति को, किसको स्वर्ग जाना है, तुम्हें तुम्हारा तो टिकट कभी ना फट गया, इसको मिल गया, कैसे मिल गया, उसने माफी मांगा, क्या किया, तो स्वर्ग बहुत अच्छी जगह है, कैसी जगह है, पांच सोने के क्या है, सड़क है, सोने की सड़क है, इसको भी पता है, फिर दूसरा क्या है स्वर्ग में, हमारे लिए प्रभु ने घर तैयार करने के, वो उधर किसके लिए घर तैयार करते हैं, नहीं मतलब तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी करेगा क्या, जो उस पर विश्वास करके उसको मानते हो सबके लिए, अच्छा जो विश्वास करके मानते हो उस सबके लिए बोल रहा है, तुम लोग जाके आए थे उधर, कभी गए थे कोई दिन, सब बोल रहे हैं ठीक है, तो स्वर्ग ऐसी अच्छी जगह है, कैसी जगह है, अच्छी, अगर आपको कोई बोलेगा कि आपको पूरा दिन खुश रहना है, हंसना है, नाचना है, कूदना है, तो मजा आएगा, तो स्वर्ग में कोई रोता नहीं है, सब लोग क्या करते हैं, नाचते हैं, नाचते हैं, टिमुक टिमुक टिमुक, है ना, ये लोग स्वर्ग के लोग हो गए, कैसे लोग हो गए, जो लोग स्वर्ग के लोग हो जाते हैं वो यहाँ पर भी नाच सकते हैं, इधर भी आनंदी हो जाएंगे, ठीक है, तो आप जब यीशु पर विश्वास करते हो आप कहाँ के हो जाते हो, स्वर्ग के लोग, बनना है स्वर्ग के लोग, स्वर्ग के बारे में आपको क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमें मानना है कि स्वर्ग है, क्या मानना है, स्वर्ग, कई लोग मानते नहीं है, आपका कोई मम्मी पापा या कोई चाचा चाची कोई बोलेगा सब इधर है, स्वर्ग भी इधर है, नरक भी इधर है, हम भी इधर है ना, ऐसा बोलते ना, अगर ऐसा
नहीं है, स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग है, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ वही जा सकता है जिसके पाप माफ हो जाए। क्या हो जाए? पाप माफ हो जाए, ठीक है। तो आपके पाप माफ होने के लिए किसको ये बलिदान देना पड़ा? यीशु प्रभु ने, है ना, जॉनी को पता है, ठीक है। इसीलिए उसको विश्वास आ गया कि मेरे पाप यीशु माफ कर देगा। ये क्यों कर सकता है यीशु पाप माफ? क्योंकि यीशु ने क्या कर दिया? सारे पाप ले लिया। हालेलुया। क्या कर दिया? सारे पाप ले लिया, ठीक है ना। तो आपके पाप कहाँ ले लिया उसने? मैंने बोला था सोचने में। तो आपने गलत सोचा तो यीशु ने क्या करना? कांटों का मुकुट। आप गलत काम किया तो क्या किया यीशु ने? हाथ में गिले। आप गलत जगह गया तो यीशु का क्या क्या हुआ? घर में गिला पड़ा। ये सब प्रभु यीशु ने पहले से डिपॉजिट कर दिया। क्या कर दिया? जब आप जन्मा भी नहीं था, है ना। प्रभु यीशु तो पहले हो गया ना, है ना जोनी, तुम्हें पता है? रोजी तुम्हें पता है? तुम्हारे जन्म लेने से पहले यीशु प्रभु ने तुम्हारे लिए माफी तैयार कर दिया, पता है तुमको जॉनी? इसीलिए तुम्हें माफी मिला, पता है? तो बोलो क्या होता है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुमको माफी क्यों मिला? अभी अच्छा लग रहा है ना, मन में शांति मिल रहा है ना, ठीक है। सुनो इधर ध्यान दो बच्चों, अगर पापों की माफी मिल जाती है तो शांति मिल जाती है। बोलो पापों की माफी मिल जाती है तो शांति मिल जाती है, बोझ हट जाता है। जब रोजी का तुमने गलती किया तब तुम्हारे सिर पे किसी ने कुछ रखा ऐसा लग रहा था? आपका हाथ लग रहा ऐसा लग रहा है। तुम्हें लग रहा तुम्हें कोई मजा आ रहा था? नहीं। क्यों? तुम्हें कुछ भार लग रहा था ना। तो हम सभी लोग पापी रहेंगे तो भार के साथ रहेंगे। कैसे रहेंगे? उसके लिए यीशु प्रभु का भारी वचन चाहिए। क्या चाहिए? यीशु प्रभु का भारी उस भार को हटा देगा, है ना। तो आपको क्या करना है? यीशु प्रभु के पास आके माफी मांगना है उसको। वो अगर माफी मिल जाती है तो आपको क्या मिल जाएगा? उद्धार। बोलिए उद्धार। उद्धार क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ। उद्धार मतलब, कल भी मैं सिखाऊंगा उद्धार क्या है, आज भी सिखा रहा हूँ। उद्धार मतलब इसने इसका गलत कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है? पापी है। क्या है? इसीलिए पाप किया इसलिए पाप किया। अभी ये जॉनी है उसको पापों की माफी किसने दे दी? ठीक है, मतलब जॉनी अगर मर जाएगा तो उसको नरक नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? उसको बोलते हैं उद्धार। क्या बोलते हैं? मतलब उसका छुटकारा हो गया, वो मरने के बाद नरक में जाने वाला नहीं है। अभी कोरोना में कितने लोग मर गए, है ना, पता ना आपको? आपके आपके गली में भी बहुत मरे हो गए, आपके अगड़े पगड़े में भी मर गए थे लोग। कितने लोग मरे? बहुत सारे लोग मरे, गिनती नहीं पता। तो लाखों लोग मर गए, है ना। तो ये सब मर के कहाँ गए होंगे बेचारे, है ना। जो यीशु को मानने वाला होगा तो स्वर्ग में जाएगा, वरना कहाँ जाएगा? इसलिए उद्धार पाना है। क्या पाना है? जॉनी ने उद्धार पा लिया। जॉनी ने क्या विश्वास किया? जॉनी क्या विश्वास किया तुम्हें माफी मांगने से पहले? कि प्रभु ने मेरे सारे पापों को अपने क्रूस पर ले लिया और मुझे क्षमा दे दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? क्षमा दे दिया। हाँ, विश्वास कर लिया। क्या कर लिया? आप लोग विश्वास करोगे? करोगे तो खड़े हो जाओ, शांति से खड़े हो ना। अभी मैं जब प्रार्थना करूंगा तो यीशु प्रभु आपको दिख सकता है, इसलिए शांति से खड़े रहना। यीशु प्रभु स्वर्ग के हैं और यहाँ स्वर्ग से आपको मिलने के लिए आ सकते हैं। आपको आंख बंद करोगे तो दिख भी सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करना है आप लोगों को? आंखें बंद करना है। क्या करना है? आप लोग रेडी हो? मस्ती के मूड में हो कि सीरियस हो? तो सीरियस मैटर है। कैसा है? सीरियस। सॉरी, सीरियस हो के माफी मांगा ना, इसलिए मिल गया ना, कि मजाक से मांगा था? नहीं, सीरियस। सीरियस क्या? सीरियस बाजू वाले को बोलो सीरियस हो जाओ। सब लोग आके मत करो, जिसको चाहिए माफी। अगर नरक में जाना है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। नरक में जाना नहीं चाहिए, बहुत गंदी जगह, अच्छी हम भी नहीं लेना चाहिए। हमें सब स्वर्ग जाना है, ना। अभी सबको मैंने बोला था, जो बड़े बड़े बच्चे थे उनको भी बोला था, ये मौका दिया जाएगा। अभी एक मौका है, मैं गाना गाऊंगा, आपको गाना नहीं गाना है, आप सिर्फ सुनना है। क्या करना है? ठीक है, आंखें बंद करो सब।
और मैं गाँव का यीशु बुलाता हूँ। यीशु सबको बुला रहा है ना। चौनी ने आवाज छीन लिया, चौनी ने माफी मांग ली, चौनी ने उद्धार आ लिया। आपको चाहिए कि नहीं? आपको चाहिए कि नहीं? ठीक है, चलो मैं गाना गाता हूँ, आंखें बंद कीजिए। यीशु बुलाता तुम्हें, दूसरा कोई गाना नहीं है, चुपचाप रहो। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम्हें बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम्हें बाहों में लेने। आँख बंद रखिए, तभी आपको यीशु का दर्शन हो सकता है। चुपचाप रह के अगर आप सोचोगे इसमें कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। फिर विश्वास रखोगे तो यीशु प्रभु आपके पाप माफ करके आपको उद्धार दे सकता है। अभी इसी बात नया जन्म मिल सकता है आप लोगों को। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुम्हें बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुम्हें बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु प्रभु आपके सामने आपको बुला रहा है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया है, मैंने तुम्हारे पापों के कारण मेरे हाथों में, सिर में, मेरे पैर में, सभी जगह से खून बहा। उस खून के लिए तुम देख लो, मैं तुम्हें माफी देना चाहता हूँ। जैसे जॉनी को मिला, वैसे तुम्हें भी मिल सकता है, माफी मिल सकता है, माफी तैयार है। सब लोग माफी माफी मांग लीजिए और प्रभु से मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु, मेरे पापों को यीशु के लहू से धो करके मुझे क्षमा दे दीजिए, मुझे एक नया जीवन दीजिए। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, यीशु ने मेरे लिए क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया है। यीशु ही प्रभु है। आपका धन्यवाद, मुझे उद्धार देते हो, मुझे नया जीवन दिया है। धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखिए। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम्हें बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम्हें बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चुपचाप रहिए, आप में से कई लोग को प्रभु दिख सकते हैं। आप मत रखिए, वो है ऐसा, जरूर स्वर्ग आपको दिखेगा। स्वर्ग के बारे में मैं आपको बोला है। हालेलुया, स्वर्ग जरूर है। आँख बंद रखोगे तभी दिखेगा, आँख खुली रखोगे तो आपका ध्यान इधर उधर चला जाएगा, आपको ये मौका आपको मिलेगा नहीं। इसलिए इसे पा लीजिए। पवित्र, पवित्र है तू, सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र, पवित्र है। जब मैं गाना गा रहा हूँ आप विश्वास रखिए, यीशु आपको कुछ दिखाएंगे, आपको बोलेंगे कुछ, आपसे हम बात करेंगे। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र, पवित्र, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है।
झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। पता चलेंगे यीशु सही है, जो भी बच्चे आए हैं अविश्वासी बच्चे से आए हैं उनको पता चले यीशु प्रभु है, यीशु सही है। आप हजार स्वर्गदूतों के सही आपकी उपस्थिति यहाँ कार्य कर, उपस्थिति यहाँ कार्य कर, सभी बच्चों के अंदर कार्य कर। वो मन के अंदर सोचिए प्रभु आपको प्यार करता है, कितना अच्छा यीशु है उसके बारे में सोचिए। अपने आप को दे दिया, परमेश्वर प्रेम है, वो आपको प्रेम करता है, आपको एक जीवन देने के लिए आया, आपके लिए क्रूस उठाया, आपके लिए दुख सहन किया, आपके लिए सब कुछ दे दिया। उसके लिए सोचिए कितना अच्छा है वो, कितना भला है वो। बड़का से तुम्हें बाहो मिले बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुम्हें बाहो मिले यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुम्हें बाहो मिले बोले धीरे से हालेलुया, धीरे ध्यान बंद करके बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए आप पवित्र हो, आप स्वर्ग के राजा हो, वो परमपिता दाहिने हाथ और बेटे यीशु प्रभु आप महान है, आप राजा है, आप पवित्र है, आप धन्य है। आपके हाथ में हमारे जीवन को सौंप देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। बैठ जाइए, आगे खोलिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे बच्चे हुआ आप, चुपचाप खड़े रहे, कोई कोई ऐसा कर रहे थे मेरे बच्चे, बाकी सब अच्छे से बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। देर हो रहा है, जाओ जल्दी फ्लाइट पकड़ो तुम्हारी, दोनों अपने आगरा पकड़ चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर है, थोड़े पीछे से बैठो बच्चों, थोड़ा पीछे हो जाओ। मजा आया, किसको मजा आया? ओके सुनिए, ऐसा जब होगा आंख बंद करने वाला तो इसका मौका का फायदा उठा लीजिए। क्या करिए? फायदा उठा लीजिए। जब तक देखोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मिक दुनिया है। क्या है वो आत्मिक दुनिया? मतलब स्वर्ग। क्या है स्वर्ग? जब आंखें बंद करोगे तो स्वर्ग भी दिख सकता है, यीशु भी दिख सकता है।